अप्सरा इलेक्ट्रिकल आप। फ्रेंड आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ ESAB कंपनी का आर्क वेल्डिंग मशीन आर400i, ठीक है। ESAB का और भी होता है, ESAB का जो आपका बॉडी 400i ऐसे भी होता है, तो आर400i इस मशीन का हम लोग देखेंगे। इसका इंटरनली सर्किट क्या है नहीं है डिटेल में देखेंगे, उसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका कवर को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड आप लोग देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो इसका जो स्कीमेट्रिक है वो हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका स्कीमेट्रिक हम लोग पूरा स्टडी करते हैं। एक्चुअल में मशीन जब हमारे पास कोई नया मॉडल आता है तो उसको स्टडी करते हैं, उसको स्कीमेट्रिक बनाते हैं कैसे वर्किंग होता है। तो आप लोग सोचोगे सर ये क्यों दिखा रहे हो, ये तो मैं करता हूँ, लेकिन इसमें फ्रेंड्स क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, एक होता है कि PWM IC यूज करके एक होता है और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो आप लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग में, वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग में जो PWM कंट्रोलिंग होता है, एक होता है मतलब एक जो होता है PWM IC बेस्ड, उसमें होता है SG3525 एक PWM IC होता है, और एक होता है UC3846, वो दो टाइप का होता है। वो दो टाइप का तो मैं ट्रेनिंग में देता हूँ, 4-5 मॉडल का कंट्रोल करके कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है, कौन सा पिन का क्या है, कैसे कौन सा समिंग सेक्शन है, कौन सा प्री एज ब्रिज सेक्शन है, ठीक है, कॉम्पेंसेशन क्या है क्या नहीं है, वेल्डिंग का करंट प्रैक्टिकल में वेल्डिंग करंट होता है कौन सा, थ्योरी के ऊपर डिपेंड करके वेल्डिंग करंट चेंज होता है नहीं होता है। मतलब आप सोचोगे 180 एम्पियर में वेल्डिंग करोगे, तो 180 एम्पियर में वेल्डिंग करने से IGBT में क्या चेंजेस हो रहा है, IGBT स्विचिंग में वो दिखाता हो, वो प्रैक्टिकल में हम लोग दिखाते हैं DSO के थ्रू। चलो आज वो तो ट्रेनिंग का बात हो गया, आज इसमें क्या है नहीं है हम लोग दिखाते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग, मैं हल्दिया में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में हल्दिया में मैं नौकरी करता हूँ कंपनी में, तो इधर अगर इस एरिया में आप लोग अगर रिपेयरिंग करवाना है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ESAB एडोर पैनासोनिक इस मॉडल तीनों मॉडल का तो मेरे पास अवेलेबल है, प्यार में कलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी जितना भी लोकल चाइनीज मशीन है उसका कोई भी मतलब इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन जो होता है उस रिलेटेड वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग करना है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं इधर रिपेयरिंग करता हूँ। तो पहले मशीन को रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे हम लोग कैसे रीड करेंगे, एक साइड से रीड करेंगे, ये तो S3 फेज AC। इधर आके दिखाऊं, 3 फेज AC इनपुट, इधर 3 फेज AC इनपुट हुआ MCB में, ठीक है, 3 फोल्ड का MCB है। इनपुट होने के बाद इधर आउटपुट दे रहा है, उसके बाद तीनों कंट्रोलिंग वायर जो निकल रहा है, ये मेन पावर है कंट्रोलिंग वायर, उसके बाद EMI फिल्टर होता है, EMI फिल्टर के बाद आपका जो डायोड सेक्शन में है 3 फेज का डायोड में चला गया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद DC होके आपका DC आ गया, इसमें कितना DC वोल्टेज होगा, जो लाइन टू लाइन जो वोल्टेज होता है उसके साथ लाइन टू लाइन का पीक वोल्टेज, ये क्या है नहीं है वो पूरा डिटेल में हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आके ये DC बस का लिंक बना, ये DC बस का जो लिंक है, ये लिंक आके अब इधर दिखाओ, क्लोज अप करके दिखाओ, ये DC बस का जो लिंक है जो IGBT में चला गया, ठीक है। IGBT से होके आपका जो स्विचिंग वाला AC वोल्टेज हो जाए, ये आके आपका हाई फ्रिक्वेंसी टोराइडल ट्रांसफार्मर में चला गया, टोराइडल ट्रांसफार्मर से होके आपका ये डायोड सेक्शन है, इसके अंदर डायोड लगा है, डायोड होके इधर चला गया, फिर इधर आ गया ये जो सेंसर है, ये सेंसर से होके चला गया, ये सेंसर का क्या काम है, करंट मेजर करता है। तो DC में करंट किस तरह मेजर होता है, तो नॉर्मली वेल्डिंग मशीन में 2 टाइप का DC करंट मेजर होता है, एक साउंड के थ्रू, एक हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर कैसे काम करता है, साउंड कैसे काम करता है, साउंड का कैलकुलेशन क्या होता है, ये होता है। फिर आ गया आपका एक ये जो सर्किट अभी बोला इसको क्या बोलता है, इसका पावर सर्किट, एक होता है कंट्रोलिंग सर्किट,
कंट्रोलिंग सर्किट आप लोग देख सकते हो, इधर से आ गया, इधर से आके इधर एक छोटा बोर्ड लगा है। देखो ये छोटा बोर्ड है, इसके अंदर एक छोटा बोर्ड है, ठीक है। ये छोटा बोर्ड, ठीक है, एसी इनपुट, थ्री फेज एसी इनपुट, इधर से इसका कंट्रोलिंग आउटपुट हो रहा है। इसको आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में सिंगल फेज प्रिवेंटर सर्किट है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। ये लगाने खोल देने से मतलब ये सर्किट काम नहीं करेगा, तो इसका ओवर हीटिंग का टेम्परेचर है, ये जल जाएगा, ओवर हीटिंग का टेम्परेचर जल जाएगा, तो ये काम करता। उसके बाद आ गया आपका ये सारे सिग्नल, ये है कंट्रोलिंग सेक्शन, ठीक है। ये कंट्रोलिंग होता है मतलब इससे PWM सिग्नल आउट होता है। उसके बाद आके ये जो चारों फेड है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फेड है, ये चारों दिखा रहा जा रहा है, ये चारों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से इसको स्विचिंग करता है। उसके बाद ये पल्स आके ये जो 15:15 ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर से होके इधर आके दो IGBT को फायरिंग करता है। फिर इसको बोलता है सीटी, इधर से भी करंट मेजर कर रहा है, ये सीटी में करंट मेजर कर रहा है, सीटी कौन सा जगह में काम करेगा, क्योंकि ये पल्सेटिंग DC है, इसके अंदर से करंट वैरी हो रहा है, तो इसके वजह से ये काम कर रहा है। ये हॉल इफेक्ट सेंसर क्यों लगा है, उधर भी सीटी लगा सकता है, ये क्यों उधर लगा है, ये सारे डिटेल में पता चलेगा। बाकी देखिए फ्रेंड, इधर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा है, ये माइक्रो प्रोसेसर का EXE फाइल इधर से अपलोडिंग डाउनलोडिंग कर सकते हो, बट डाउनलोडिंग आप कर नहीं पाओगे क्योंकि ये ESAB है, ये इतना बड़ा ब्रांड है। हम खुद भी जब करते हैं, जब हम खुद भी माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग करते हैं, मैं चाहता हूँ मेरा हेक्स फाइल, जो मैं कभी तो सोर्स फाइल देता नहीं, मतलब C++ में जो प्रोग्रामिंग करता हूँ मैं, उसमें तो किसी को देता नहीं, मैं वो भी नहीं चाहता हूँ मेरा हेक्स फाइल कोई लेके दूसरा IC में कॉपी कर ले, इसलिए मैं उस पर कोड डाल के रखता हूँ। मैं खुद डाल सकता हूँ, तो सोचो ये ESAB है, एडोर है, पैनासोनिक, वो लोग तो डाल के रखता है, तो आप रीड नहीं कर पाओगे, राइट का दे सकता है। तो इधर से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। इसमें लगा है UC3846 डिप में, इसका जो कॉम्पेंसेशन इधर से इधर को कॉम्पेंसेशन को देता है। कॉम्पेंसेशन देने के बाद इधर से PWM आउटपुट होकर इधर आता है। फिर आप लोग देखोगे इधर एक AIC है, ये सामने जो LED है, वोल्ट एंड एम्पियर का जो LED प्रोब है, LED डिस्प्ले है, इसके लिए ये IC लगा है। बाकी देखो ये तीनों जो ऑप्शन है, आर्क फोर्स, आर्क करंट और हॉट स्टार, ये तीनों का जो काम है, इसका सिग्नल आके माइक्रो प्रोसेसर को देता है, माइक्रो प्रोसेसर इधर जाता है, फिर ये काम होता है। बाकी ये सारे सेंसर का काम है, ये सेंसर जैसे थर्मल सेंसर होगा, देखो इधर से आके 100% इधर जाके घूम फिर के इधर ही आएगा, ये थर्मल सेंसर है, ये थर्मल सेंसर है, थर्मल सेंसर दोनों रहता है, तो एक को लिया एक को सीरीज कर दिया, ऐसे करके ये सर्किट काम करता है। बाकी ये जो इधर लाइन रिएक्टर रहना चाहिए, लाइन रिएक्टर तो इस मॉडल में नहीं दिया है। और बाकी देखो ये इसको चलाने के लिए कंट्रोलिंग वोल्टेज भी चाहिए, कंट्रोल सर्किट है तो कंट्रोलिंग वोल्टेज भी रहना चाहिए, कंट्रोलिंग वोल्टेज। और इधर देख सकते हो एक ट्रांसफार्मर लगा है, ये ट्रांसफार्मर 415 इनपुट होता है, बाकी उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे सर ये मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन कितना वोल्टेज का है क्या है, वो सारे डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इधर एक वोल्ट छोटा वाला कार्ड लगा है, इधर से आपका वोल्टेज आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज को लेके इधर देता है, वो किस टाइम में काम आता है, जब VRD होता है, तो VRD का क्या है, वोल्टेज रिडक्शन डिवाइस है, जब VRD काम करता है तब उधर से वो पल्स लेके काम में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड मैं जल्दी मैं बोल दिया, बाकी ये तो कूलिंग फैन है, 8 इंची का कूलिंग फैन है, तो पता चल गया, लेकिन इसका मैं देखा हूँ फैन बहुत हाईली यूज किया गया है, कॉस्टली फैन यूज किया गया। तो फ्रेंड आज ये छोटा इन्फॉर्मेशन था, और एक वाइटल जो बात है, अगर इस कार खराब हो गया तो क्या, इतना तो मैं बोल दिया, इस कार को खराब हो गया तो क्या करेंगे, दो ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है, अब जो नॉर्मल जो होता है ना हॉल इफेक्ट के थ्रू जो कार यूज होता है IGBT फायरिंग करने वाला, अब पहले फर्स्ट ऑप्शन है इसको रिपेयर करो, खुद से रिपेयर करो, अगर कोई रिपेयर नहीं हो पाएगा तो सोर्स से आप इसको नया इंजन कर लो, सेकेंड हुआ। थर्ड हुआ, अब अगर नहीं इंजन हो पा रहा है, कस्टमर बोल रहे नहीं, 12,000-15,000 रुपया खर्चा हो रहा है तो नहीं करेंगे, तो आप कस्टमर के बोल सकते हो भैया नहीं 5,000 दीजिए कि 6,000 दीजिए, मैं इसका दूसरा तरह से कर देता हूँ। दूसरा जो IGBT का कार्ड होता है ना मॉड्यूल, जो हॉल इफेक्ट सेंसर के थ्रू डिस्प्ले को मैचिंग कर सकते हैं, उस वाला कार्ड इधर इंस्टॉल करके चालू कर सकते हो, तीसरा हो गया। चौथा क्या होगा,
इसका अगर करंट कंट्रोलिंग हो रहा है, मतलब कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ, ये माइक्रो प्रोसेसर को छोड़ के, माइक्रो प्रोसेसर के छोड़ के जितना भी होगा हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके कर लेंगे, इसमें आके फंस जाएंगे रिवर्स इंजीनियरिंग करने में। तो कोई बात नहीं, एक समिंग सेक्शन होता है वेल्डिंग मशीन में, एक समिंग सेक्शन होता है, अब लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा भी तो ट्रेनिंग में बोला जाएगा, एक समिंग सेक्शन होता है। समिंग सेक्शन से जो आउटपुट आके वो कॉम्पेंसेशन पिन में देते हैं, उसके चलते आपका ड्यूटी साइकिल में चेंजेस होता है, ड्यूटी साइकिल चेंजेस की वजह से आपका जो एम्पियर की वैरी होता है, वो सारे प्रोसेस हम लोग एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को छोटा सर्किट बना के इसमें इंस्टॉल करके इसको चला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चार पॉइंट है जो ये कंट्रोलिंग सेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो हम लोग कर सकते हैं, बाकी आईजीबीटी कैपेसिटर ये तो सारे मिल जाता है, वो हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू आप लोग वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।